नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल के रेट जारी हो गए हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर चिंता जताई है। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी देश रूस और यूक्रेन के गेहूं निर्यात पर काफी ज्यादा निर्भर है। लेबनान अपने गेहूं की जरूरतों का 60% यूक्रेन से करता है आयात। रूस और यूक्रेन मिश्र का लगभग 70% गेहूं आता है। यूएसडीए के मुताबिक यूक्रेन की ज्यादातर गेहूं की फसल दक्षिण पूर्वी में केंद्रीय है। अगर यूक्रेन के किसान जुलाई तक गेहूं की खेती और कटाई नहीं कर पाए तो आपूर्ति श्रृंखला को सख्ती बाधित हो सकती है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सोपा ने देश के सोयाबीन आयात के आंकड़े को संशोधित कर चालू तेल वर्ष 2021-22 के लिए 3.50 लाख टन किया है। सोपा के अनुसार मौजूदा तेल वर्ष 2021-22 में सोयाबीन खली का उत्पादन घटाकर 27.14 लाख टन रहने की संभावना है, जो पिछले वर्ष 40 लाख से ज्यादा था। सोयाबीन मील का आयात इस बार 4.40 लाख टन होने की संभावना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ प्रतिबंध बनाए रखते हैं तो दुनिया भर में उर्वरकों की कीमत में और तेजी आ सकती है। बता दें, रूस दुनिया के सबसे बड़े खनिज उर्वरकों की आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। भारत इस समय इराक, सऊदी अरब, अमेरिका, जापान और ट्यूनिशिया जैसे देशों से चाय निर्यात के विकल्प तलाश कर रहा है। इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद चाय के नए बाजार तलाशे जा रहे हैं। इनमें से कुछ देशों के खरीदार के साथ वहां मौजूद डिप्लोमेटिक मिशन की मदद से वर्चुअल बैठक की कराई जा रही है। विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल, सीपीओ और पामोलिन तेल, सोयाबीन डिगम तेल में गिरावट आई है, जबकि मांग बढ़ने के कारण मूंगफली तेल तिलहन के भाव में मजबूती के साथ बंद हुए। अन्य तेल तिलहनों की कीमत स्थिर बनी हुई है। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।